ऑलराइट गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी बाइक पे एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट की रिव्यू करने वाला हूँ। ये जो प्रोस्पेक्ट का इजी राइड करके जो एक्सटेंडर आता है वाइजर का, आई जस्ट वांटेड टू चेक कि इसमें विंड नॉइस है वो कितना अवॉइड हो रहा है। अभी आने वाला ना पूरा अभी एक्सटेंडेड है, तो अगर आप चाहो तो इसको नीचे भी कर सकते हो। ओ भाई, बहुत कम है यार, बहुत कम है। ऑलराइट गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी बाइक पे एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट की रिव्यू करने वाला हूँ, जो कि मैंने अपने फ्रेंड से लिया है। तो आज आप लोगों को बाइक में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस दिख रहा होगा, तो दैट इज़ दिस वन। ये जो प्रोस्पेक का ईजी राइड करके जो एक्सटेंडर आता है वाइजर का, ये मैं आज टेस्ट करने वाला हूँ। इसको देखेंगे कि कितना विंड ब्लास्ट जो है ये बचाने वाला है। अभी सीन क्या है, हम लोग यहाँ पे मलपाकुंड आए थे, अगर आप लोगों ने पिछला वाला ब्लॉग देखा होगा वहाँ पे, तो उसमें मैंने इस वाले वाइजर के साथ में राइड किया। ये वाला इसका टॉल विंडशील्ड आती है, जो बाय डिफॉल्ट आती है BMW F850 GSA के साथ में, जो डिफॉल्ट वाली आती है। अब सीन क्या है, ये यहाँ से मेरे को हेलमेट के ऊपर वाले पार्ट पे, यहाँ पे, क्योंकि मेरा हाइट है 6 एंड यहाँ पे मेरे को हिट करता है। अगर हाइट कम होती तो भी थोड़ा सा विंड ब्लास्ट जो है कम होता, बट अभी हाइट के हिसाब से मेरे को यहाँ पे विंड ब्लास्ट जो है ज़्यादा लगता है। इवन जो व्लॉग्स हैं ना, वो भी विंड ब्लास्ट की वजह से काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। तो अभी क्या करते हैं, इसको टेस्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गो। ये मैंने अपने फ्रेंड से लिया है, अभी मैंने परचेज़ नहीं किया है। बेसिकली आई जस्ट वॉन्टेड टू चेक कि इसमें विंड नॉइस है वो कितना अवॉइड हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे अगर मैं जा रहा हूँ ना, ओ भाई वाओ, लॉट ऑफ डिफरेंसेस देयर। क्योंकि अभी ना जब मेरा ये जो वाइज़र है, जो स्टॉक वाइज़र है, इसको मैंने लगाया हुआ है, तो ये थोड़ा सा जो विंड है ना वो अपने को इधर पे बसता है, और हेलमेट में जो भी है थोड़ा सा गैप तो रहता है, ऐसा तो हो नहीं सकता बिल्कुल साइलेंट रहेगा हेलमेट, तो जो विंड नॉइस है वो काफ़ी रहता है, और उसकी वजह से ना ब्लॉग भी ख़राब होता है। सो दैट वॉज़ द रीज़न आई वॉन्टेड टू बाई प्यूक वाइज़र, और जो भी MRA का भी है, जैसे कस्टम एलिमेंट्स में अवेलेबल है, LRL मोटर्स में अवेलेबल है, तो काफ़ी सारी साइट्स में अवेलेबल है, बट प्राइस इज समवेयर अराउंड 14-15,000 रुपीज़। अब वो चीज़ बचाने के लिए, क्योंकि देखो बाइक में ना बहुत एक्सेसरीज लिमिटेड होनी चाहिए, मतलब जो चीज़ चाहिए है वो उतनी होनी चाहिए। अब वो वाइज़र है मैं लूँगा, एंड दिस इज एक्सटेंडेड, अभी जो फुल है वो एक्सटेंड हो रखा है। आगे वाली जो रेड नॉब्स है उसमें आप लोगों को दिखाऊँगा एक जगह रुक के। अब मैं तो आप लोगों को बता पाऊँगा, क्योंकि हेलमेट में जो विंड है वो लग रही है कि नहीं, एक चीज़ तो वो है। अभी मैं इसलिए वाइज़र खोल दिया हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि कितना विंड जो है ना मेरे को आइज़ तक आ रहा है। आइज़ तक आ रहा है मतलब वो डेफिनेटली जो है, जो वाइज़र है, वाइज़र के अंदर में ऑलरेडी जो विंड है वो जाएगा, क्योंकि जो जब भी वाइज़र हाईवे पर बंद करते हैं ना, तो विंड ब्लास्ट जो है ना वो काफ़ी अंदर तक जाता है हेलमेट के, एंड जो उससे होता है ना राइडिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा आवाज़ की वजह से। तो उसके लिए एक तो अल्टरनेट है कि आप गो नॉइस का या फिर जो भी ईयरबड्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हो, एंड देन द अदर वे इज़ कि आप यहाँ पे एक विंडशील्ड एक्सटेंडर यूज़ कर लो, ये जो प्रोस्पेक्ट का है। देखो इतने में भी पता लग रहा है मेरे को कि थोड़ा सा जो विंड है ना काफ़ी हद तक, मतलब जो विंड है ना काफ़ी हद तक रुक जा रहा है इतने से। अभी ये जो है प्रोस्पेक्ट का वाइज़र जो है ये एक्सटेंड करके लगा हुआ है, पूरा फुल एक्सटेंडेड लगा हुआ है, तो ये जो है ना एक्सटेंडेड पूरा लगा हुआ है। अभी यहाँ पे आगे रेड कलर के नॉब जो है आप लोगों को दिखेंगे, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसका सेटिंग्स। और अभी जैसे ही मेन रोड ज्वाइन करते हैं ना, उसके बाद में एक बार टेस्टिंग करेंगे स्पीड बढ़ा के, कि इसका जो विंड नॉइस है कितना आ रहा है हेलमेट के अंदर में। अगर वो कम हुआ देन इट इज़ गोइंग टू सर्व द पर्पस, इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, इससे काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। अब ये जो प्रोस्पेक्ट का इजी राइड है ना, इसको क्या एडजस्ट कैसे करना है, यहाँ पे इसको ऐसे करना है लूज, एंड देन यू कैन बेसिकली पुल इट डाउन यहाँ पे इधर से नीचे, ठीक है, एंड इसको यहाँ पे बस ऐसे स्लाइड करके एडजस्ट कर देना है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ इस लेवल पर रखता हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा पता लगे, यहाँ पर ज़्यादा गैप नहीं रहना चाहिए। बट बहुत इजी चीज़ है, आराम से जो है वाइज़र काफ़ी, देखो मैं प्यूक का भी अगर वाइज़र लेता हूँ तो ऑलमोस्ट इतना ही बड़ा आएगा। अगर ये चीज़ जो विंड ब्लास्ट है उसको रोक रही है देन तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को टेस्ट करेंगे थोड़ा सा मेन रोड पे ले जाके, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई फ्रेंड,
बट अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंडर हो गया ना तो वाइजर का जो लुक आता है ना वो भी बड़ा अच्छा लगता है। इधर से साइड में इस तरीके से लुक आ जाता है एंड यहाँ से जो है ये क्लिप हो जाती है। थोड़ा सा आप लोगों को टाइट करना पड़ेगा यहाँ पे, टाइट करने के लिए ना आप लोगों को जो हेक्स की होती है वो चाहिए रहती है। यहाँ से टाइट करने के लिए आपको हेक्स की चाहिए होती है, जो आप लोगों का BMW का जो भी, यहाँ पे देखो ये ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे जो जितने भी BMW के बोर्ड्स लगे थे ना वो सारे वैसे ही हैं। तो साथ ही अभी आ चुके हैं यहाँ से, देखो हम लोगों का हॉर्स कोटेज जो है 117 किलोमीटर, मतलब बेसिकली घर जो है 117 किलोमीटर दिखा रहा है, 3 आवर्स लगेगा। पीछे वाला कोलार वाला रूट लेते तो भी ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लगता, बट जो लास्ट का स्ट्रेच है ना वो ट्रैफिक वाला ज़्यादा मिलता, तो यहाँ से थोड़ा सा ट्रैफिक कम मिलेगा। बट अभी क्या है ना, टेस्ट करते हैं प्रोस्पेक्ट का ये जो वाइज़र है। अब यहाँ पे देखो भाई यार, मतलब बहुत डिफरेंस है। एकदम ना मुंह पे हवा लगने ही बंद हो गई है। ये पहले भी मैंने सोचा था बट माय फ्रेंड सजेस्टेड कि उसमें थोड़ा सा जो ऑफ रोडिंग के टाइम पे निकल के आता, बट दिस इज गुड इनफ यार। मतलब क्योंकि हाईवे टूरिंग के टाइम पे चाहिए, ऑफ रोडिंग में ऑब्वियसली डक 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 करके बजेगा तो देन उसकी वजह से जो है हो सकता है निकल के आ जाए, बट ऑफ रोडिंग के टाइम पे निकाल सकते हो, दिस इज इजी ऑप्शन। अगर आप लोगों ने बड़ा वाला जो वाइजर अगर ले लिया तो ऑफ रोडिंग में वो वैसे भी दिक्कत करेगा, क्योंकि आप अगर जैसे सैडल करके चलाते हो, सैडल करने के टाइम पे आप लोगों को ऑब्वियसली थोड़ा सा बॉडी को है सस्पेंशन की तरह काम करवाना पड़ता है, तो वो चीज़ जो डिफरेंस है वो हो जाएगा। अब इसको क्या करूँगा ना मैं, ये वाला थोड़ा सा स्पीड पकड़ के देखते हैं वाइज़र के अंदर कितना हवा आ रहा है। अभी मैंने हेलमेट का वाइज़र खोला होता, अभी बंद कर देता हूँ इसको। वाओ यार, थोड़े से डिफरेंस की वजह से कितना विंड ब्लास्ट रुक रहा है ना, बिलीव नहीं करोगे। ये मैंने पूरा फुल पे कर रखा है ये वाला भी, इसको अगर नीचे करूँगा तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, बट नीचे करने के बाद भी मतलब यार काफ़ी विंड नॉइस जो है ना कम हो गया है, क्योंकि वरना इतने में ना मेरे हेलमेट में पूरा विंड नॉइस का ना आवाज़, विंड ब्लास्ट का आवाज़ आते रहता था, वो कान में लगता था। और अगर आप लोग टूरिंग कर रहे हो ना, जैसे लंबा टूरिंग पे जाते हो, तो देन यही हो जाता है कि आप लोगों को थोड़ा सा ना कान में विंड नॉइज़ ज़्यादा लगेगी, देन इट विल मेक यू अनकम्फर्टेबल लॉन्ग आवर्स के लिए, मतलब राइड नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। बट अभी यहाँ पे जो है मेरे को डिफरेंस दिखाई दे रहा है काफ़ी इस प्रोडक्ट की वजह से। भाई यार, मतलब ये तो पैसे बचा दिए मेरे। देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स को ना ब्रांड्स आती हैं, पे करती हैं एंड देन दे मेक द रिव्यू। मेरे पास में अभी ऐसा कुछ सीन नहीं है, तो आई कैन गिव यू द ऑनेस्ट फीडबैक अभी के लिए। अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो जब ब्रांड्स आ जाते हैं ना, देखो काम हम लोग इसलिए कर रहे हैं ब्रांड्स आएंगी पैसा देंगी, ठीक है, बट जो फीडबैक है दैट शुड बी ऑनेस्ट, ठीक है। ब्रांड्स को भी इवन फोर्स नहीं करना चाहिए कि भाई जो चीज़ सही नहीं है उस चीज़ को हाईलाइट मत करो या फिर पॉइंट आउट मत करो, बट जो प्रोडक्ट अच्छा है उसके लिए तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा। पहले इसके प्रोस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो एक तो चीज़ है, इजी क्लिप हो जाता है। क्लिप होने के बाद में आप लोगों को, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आराम से इजीली निकाल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है ये टाइट हो जाता है अच्छे से, हेक्स की वजह से टाइट हो जाता है। देन उसके बाद में एक सेकेंड चीज़ है, ये भी एडजस्टेबल है, ये भी आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि क्लिप हो गया है देन यू कॉन्ट एडजस्ट इट, ये भी आपका ईजिली एडजस्ट हो जाता है, ऊपर नीचे कर सकते हो अपना हाइट के हिसाब से, जिससे कि आप लोगों को विंड ब्लास्ट ना लगे। देन वन मोर गुड थिंग इज़ कि अगर आप लोगों का जैसे ऑफ रोडिंग कर रहे हो और ऑफ रोडिंग में आप लोग इतना टॉल वाइजर नहीं चाहते हो, जैसे कभी कभी है कि विंड थोड़ा सा मेरे को ब्लॉकिंग व्यू जो है वो नहीं चाहिए, तो उस केस में मैं ना इसको आराम से निकाल के रख सकता हूँ भाई, कि भाई ऑफ रोडिंग का दिन है, ऑफ रोडिंग करने वाले हैं, देन आई कैन रिमूव इट। तो ये दो तीन जो हैं कुछ प्रॉज हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। कॉन्स के बारे में बताऊंगा, तो कॉन्स के बारे में मैंने बस सुना है, पूरा सही से नहीं बता पाऊंगा, बट जो कॉन्स के बारे में मेरे को अभी तक जहाँ तक सुनने में आया, जो ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, वो ये है कि ये ऑफ रोडिंग के टाइम पे ना थोड़ा वाइब्रेशन होने की वजह से आ जाता है बाहर, बट मे बी दैट वॉज अ ओल्ड मॉडल, क्योंकि अभी जो है इन्होंने काफ़ी एनहांसमेंट किए हैं। एक तो पहले पूरा रबड़ का जो है इसे अंदर ग्रिप आ जाता है, तो वो वाइज़र में आपके वैसे भी लग के रहेगा, तो देखो हिलने तो नहीं दे रहा है,
क्योंकि मैंने भी जंप कराई है, काफ़ी बारी बाइक जंप करा चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि वो उड़ के आ जा रहा है ऊपर या फिर साइड में से निकल जा रहा है, इट डिपेंड्स। ठीक है, और प्रॉस के बारे में बात करूँगा तो, और जो मेन प्रॉस है वो तो यही है कि भाई विंड ब्लास्ट काफ़ी बच रहा है। ये अगर आपकी हाइट जैसे 6 फीट के अराउंड है, जैसे मेरी वाली बाइक है उसमें जो है शॉर्ट वाइज़र आता है कैलामेटा गोल्ड के साथ में। आई डोंट नो हाउ कम आई गॉट टॉल वाइज़र, बट जो टॉल वाइज़र है वो ट्रिपल ब्लैक के साथ में आता है। अब ट्रिपल ब्लैक के साथ में जो वाइज़र आता है ना, वो आपको थोड़ा सा जो विंड ब्लास्ट है वो कम देता है, और उसमें टूरिंग वाइज़र कहते हैं इसको BMW में। जो छोटा वाला रहता है वो स्पोर्ट वाइज़र रहता है, जो ये जो लगा हुआ है इसमें ये टूरिंग वाइज़र है। तो ये दो वाइज़र आते हैं BMW F850 GSA में, और इससे जो टॉलर वाइज़र है वो टूरिंग वाला है, ऑब्वियसली थोड़ा सा विंड ब्लास्ट है वो कम करेगा। बट ये लगाने के बाद में ना बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आ रहा है, मेरे को अभी फील हो रहा है। क्योंकि अब पता नहीं आप लोगों को उसमें जो व्लॉग में है नॉइस कम हुई है कि नहीं हुई है, वो मैं डेफिनेटली जाके चेक करूँगा। ओए होए होए होए, क्या रास्ता है यार, मस्त लग रहा है ये तो, वाह अलग सा लग रहा है। बहुत सही रास्ता है यार ये। तब ये देखो बहुत बारी उछाल दिया मैंने, बट ऐसा नहीं है कि ये मिसप्लेस हो जा रहा है। यहाँ से देखो काफ़ी मतलब अटैच्ड है, साथ में आपका जो एक्चुअल वाइजर है ना उसी की तरह काम कर रहा है। इवन देखो वाइब्रेशन की अगर बात की जाए ना, तो वाइब्रेशन आपको ज़्यादा टॉल वाइजर रहेगा तो उसमें भी आएगा। अभी इसमें जैसे आ रहा है आपको लग रहा है ये ऐसे हिल रहा है, ठीक है, बट जो आप स्टॉक वाइजर भी लोगे या फिर अपना प्यूक का आफ्टर मार्केट या फिर कोई से भी ब्रांड का अगर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट पे लेते हो, तो देन वो भी ऊपर से वाइब्रेट करेगा, क्योंकि क्लैंप का फिट यहाँ पे है एंड देन यू आर गेटिंग एक्सटेंडेड टिल हियर। तो ये ऑलमोस्ट 10-12 इंच का डिफरेंस है, यहाँ पे हल्का सा वाइब्रेशन रहेगा। बट द मेन पर्पस इज़ टू ब्लॉक द विंड नॉइस, वो अगर सर्व कर रहा है तो देन उससे अच्छी बात कोई नहीं है, है ना। सुपर यार सुपर, ये जो चीज़ है ना आपका पैसा बचाएगी। गांव वाले ऐसे देखते हैं ना, भाई एलियन आ गए हूँ कसम से इतना राइडिंग गियर पहन के, वो कह रहे हम तो खुला चलाने वाले हैं भाई, ना हेलमेट ना राइडिंग गियर। देखो लुंगी में पहनते पूरी खुली हवा लगती है ओ भाई बहुत कम है यार, बहुत कम है। अगर यही चीज़ मैं खोल दूँ ना ऐसे नीचे कर देता हूँ। अभी देखो अब पूरा कान में हवा लग रही है, यहाँ साइड से जो आँख के साइड में इधर पे जहाँ पे स्पेक्स पहनते हैं वो वाला जो गैप होता है ना, उधर से भी बहुत हवा जाती है। और अभी ऐसे ही पता लग रहा है मेरे को, इतना स्लो में चला रहा हूँ ऐसे 70-80 की स्पीड पे यहाँ पे, तब भी मेरे को काफ़ी विंड नॉइस लग रही है। वाइजर खोल दिया है और विंडशील्ड भी डाउन कर दिया है, तो इसमें हवा बहुत लग रही है। दिप्तर का मतलब मस्त, उसको अलग जोन में जा चुका है भाई, मज़ेदार। बाइक राइड का ना यही है, अभी ऐसा आदत पड़ गया है ना, वीकेंड पे ना कहीं बैठा नहीं आता, इवन वीकडेज पे भी ऑफिस के बाद में ऐसे निकलते हैं ना भाई, चलो चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो ऐसा हो गया सीन। देखो ऊपर करते ही नॉइस कम है भाई, दिस इज प्रोस्पेक्ट विंड डिफ्लेक्टर जो अभी मैं यूज कर रहा था। सो DK इज गोइंग टू टेल अस प्रोज एंड कॉन्स, सो दिस विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड, कितना प्राइस था? 2-3K है इसका जो प्राइस है, एंड काफी अच्छा मतलब इफेक्टिवली काम किया मैंने अपनी बाइक में लगाया ना,
एंड वॉज मेकिंग लॉट ऑफ डिफरेंस, जो विंडो से काफ़ी कट गई। इस प्रोडक्ट को अगर आपको चाहिए, प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।